गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 4, वाक्य विचार। जैसा कि हम अब तक जान गए हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ भी अंडरलाइन कीजिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द आपस में मिलकर वाक्यों का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। दिल्ली है राजधानी की भारत, का हॉकी राष्ट्रीय भारत है खेल। बच्चों इन वाक्यों में शब्द बिल्कुल सही हैं, लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है। ये जो शब्द लिखे हुए हैं वो सही हैं, लेकिन जो इनका क्रम है वो सही नहीं है और ना ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ये आगे पीछे लिखे हुए शब्द हैं, इससे कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। यदि इनको इस तरह से लिखें तो किस तरह से, देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आप इन वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ पा रहे हैं। ये वाक्यों को हमने क्या कर दिया, सही क्रम से रख दिया है, तो अब इसका अर्थ समझ में आ रहा है। इसका एक ही कारण है कि इन वाक्यों के शब्दों को सार्थक समूह में बदल दिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद, अब वाक्य के प्रकार देखेंगे हम। वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, दो। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या, विधेय। चलिए उद्देश्य देखते हैं क्या है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उद्देश्य, जिसके बारे में कहा जाता है वही उद्देश्य है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है, मुख्य रूप से कौन आता है, कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। लड़का अपने मित्र से बात कर रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ, लड़का। क्या हुआ, लड़का। चलिए आगे देखें, लड़का अपने मित्र से बात कर रहा है। विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। चीता तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द लड़का, विराट कोहली, डॉक्टर तथा चीता, संज्ञा शब्दों के बारे में बात कही जा रही है, अतः यही उद्देश्य है। इसे इस रूप में भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं उद्देश्य को, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी हम जिसके बारे में कह रहे हैं वही उद्देश्य है। अब विधेय, चलिए देखिए विधेय क्या है। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है, विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वही विधेय कहलाता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम। लड़की खाना खा रही है, लड़की क्या है, उद्देश्य, और खाना खा रही है ये हो गया आपका विधेय। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जो रोहित है वो क्या है, उद्देश्य है, और क्रिकेट खेल रहा है वो क्या है, विधेय। इसी तरह से अध्यापिका पढ़ा रही है, राघव स्कूल जा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द खाना खा रही है, क्रिकेट खेल रहा है, पढ़ा रही है, स्कूल जा रही है, क्रमशः लड़की, रोहित, अध्यापिका तथा राघव इन उद्देश्यों के विषय में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। और अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है,
उद्धेय के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, उद्देश्य की परिभाषा, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात की जा रही है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है यानी जिसके विषय में कहा जा रहा है वही क्या है, विधेय। आगे देखिए पेज नंबर 25। नीचे दिए कुछ वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग करके दिखाया गया है। चलिए वाक्य देखते हैं, कोयल मीठा गाना गाती है। अब इसमें हमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है, तो उद्देश्य क्या है, कोयल मीठा गाना गाती है, ये विधेय। पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं, पिताजी कौन है, उद्देश्य है, और विधेय कौन है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है, इधर माली उद्देश्य हो गया और पानी दे रहा है विधेय। अर्पित पत्र लिख रहा है, अर्पित उद्देश्य है, पत्र लिख रहा है विधेय है। अमन टीवी देख रहा है, अमन क्या है, उद्देश्य है, और टीवी देख रहा है विधेय। अब वाक्य के भेद, चलिए वाक्यों के भेद देखते हैं हम। वाक्य के दो आधारों पर भेद किए गए हैं, कितने, दो आधार पर भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। चलिए रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सर्ववाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए सरल वाक्य देखें। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, यानी उसमें एक ही सेंटेंस हो उसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य। लाल किला दिल्ली में है, ये इसमें एक ही वाक्य बोला गया है, एक ही पद है ये। अमन और वैभव परीक्षा दे रहे हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्च बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं और माताजी खाना बना रहे हैं, इसमें दो वाक्य एक साथ बताए गए हैं। इसके बाद मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मैंने देखा कि गाय चारा खा रही है, रविंद्र आज कार्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, कितने होते हैं, आठ। विधानवाचक, ऐसे वाक्य जो किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताते हैं, जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, हम किसी और के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है, विधानवाचक, सूर्य पूर्व से निकलता है। निषेधवाचक, जिसमें किसी कथन का निषेध किया गया हो, निषेध यानि नहीं, निषेध यानि नहीं, तो जिसमें कथन का निषेध किया गया हो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मेरा बस्ता नहीं मिल रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, मैं आज दुकान नहीं जाऊंगा। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो तो वो प्रश्नवाचक है, इनके नामों से ही पता चल रहा है कि ये कौन से वाचक हैं, कौन से वाक्य हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं हम। तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है, ये भी हमने प्रश्न पूछा। आप संदेहवाचक, जिसमें संदेह हो, जिस कार्य को होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। संभवतः आज बारिश हो, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, तो ये क्या है, संदेह है। लगता है तुम उदास हो, ये भी संदेह। विस्मयवाचक, जिसमें क्या हो, हर्ष हो, शोक हो, खुशी हो, घृणा हो, आश्चर्य हो आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। अरे इतनी ऊंची इमारत, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इतनी ऊंची इमारत, ओह मैं गिर गया। जब जहाँ पर बहुत खुशी वाली बात हो,
बहुत दुख वाली बात हो, आश्चर्य वाली बात हो, घृणा वाली बात हो, तब यहाँ पर विस्मय वाचक वाक्य होता है। संकेत वाचक, इशारा जिसको हम बोलते हैं, या संकेत करना, जिस वाक्य के द्वारा संकेत या शर्त का बोध हो, या कभी कभी हम शर्त भी लगाते हैं, जैसे जब तुम पास हो जाओगे तब मैं मिठाई बांटूंगा, तो ये क्या है, संकेत, जब तुम ऐसा काम करोगे तब मैं ऐसा करूंगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो सबसे आगे पहुंच जाओगे। इसके बाद आज्ञावाचक, इसमें कोई आज्ञा, आदेश या अनुरोध किया जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मयंक उधर जाओ, हमने क्या करा, उसको आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही यहाँ चले आओ, यहाँ भी हमने क्या करा, उसको उससे अनुरोध किया, आज्ञा दी उसको, तो ये कौन से हैं, आज्ञावाचक। पेज नंबर 27। इच्छावाचक, इसमें शुभकामना, आशीर्वाद आदि प्रकट होते हैं। ये इच्छावाचक जो है इसमें क्या होते हैं, शुभकामनाएं होती हैं, आशीर्वाद, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये हमारी इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए इसमें हम सही विकल्प करते हैं। शायद आज वर्षा होगी वाक्य है संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है या निषेधवाचक, तो इसमें आएगा इच्छावाचक। राघव खेल रहा है वाक्य में उद्धेय है, राघव खेल खेल रहा है वाक्य में उद्देश्य क्या है, राघव खेल रहा है, इसमें क्या आएगा, राघव। वाक्य के भेद होते हैं 5, 2, 4, तो 2। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है आपको। नमिता गाना सुना रही है, तो नमिता अलग हो जाएगा और गाना सुना रही अलग हो जाएगा। नमिता क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और विधेय क्या हो जाएगा, गाना सुना रही है। इसी तरह से बाकी सारे होंगे। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी अलग हो जाएगा और कपड़े सिल रहा अलग। माली पौधे लगा रहा है, माली उद्देश्य हो जाएगा, पौधे लगा रहा विधेय हो जाएगा। चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया उद्देश्य हो जाएगा और विधेय हो जाएगा, चहचहा रही है। रजत दूध पी रहा है, रजत उद्देश्य हो जाएगा और दूध पी रहा है विधेय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य भरिए, खालिस्तान चोर को पकड़ लिया, खालिस्तान चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, खालिस्तान परेड कर रहे हैं, इसमें आएगा सैनिक, खालिस्तान खिलौने से खेलता है बच्चा, और खालिस्तान सदैव कक्षा में प्रथम आता है मोहन। पेज नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय भरिए, देखिए सूरज, नौकर, अध्यापक और राजेंद्र, इससे हमें क्या करना है, विधेय बनाना है। तो सूरज अपने मित्र से बात कर रहा है, नौकर बाजार से सब्जी ला रहा है, अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं, राजेंद्र बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर होमवर्क हैं आपके, इसको आपको अपनी बुक में ही देखना है, ठीक है। अगली क्लास में हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, संज्ञा।